अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज आप चाइनीज़ लैंग्वेज ऑनलाइन सीरीज़ की सेकंड वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से जब हम कोई नई ज़ुबान सीखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उसमें ये होती हैं कि हम एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं और एक दो लेसन्स के बाद ही हम समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अल्फाज बोलने के काबिल हो जाना चाहिए ताकि हमें लगे कि हमने कुछ सीखा है और हम कुछ ना कुछ उस लैंग्वेज के अल्फाज बोलना शुरू कर दें। मेरी राय ये है कि चाइनीज़ ज़ुबान के हवाले से अगर आप देखें तो आई थिंक हमें थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। जैसे चाइनीज़ ज़ुबान जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसको बोलना कैसे है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है अल्फाज को, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो अगर आप दो चार लफ्ज़ सीख भी लेंगे तो आप उन्हें गलत प्रोनाउंस करते रहेंगे, गलत पढ़ते रहेंगे। तो शुरू में एक दो लेसन के अंदर हमें कुछ प्रोनाउंसिएशन के या उनको बोलना के स्टाइल से या उसके प्रिंसिपल्स पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात पे भी फोकस करना होगा कि चाइनीज़ ज़ुबान को लिखते किस तरह हैं। आज की जो वीडियो है मेनली वो इन इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होगी कि चाइनीज़ ज़ुबान की प्रोनाउंसिएशन क्या है या तलफ़ुज़ क्या है और इन अल्फाज को बोलना किस तरह है और चाइनीज़ ज़ुबान को लिखा किस तरह जाता है और चाइनीज़ ज़ुबान की जो एग्ज़ाम है उसका क्या वो मतलब उसकी क्या इंट्रोडक्शन है और वो किस तरह से होता है और चाइनीज़ जो अल्फाज हैं उनको कंप्यूटर में किस तरह लिखा जाता है और कितनी वोकेबलरी हमें चाहिए होगी बेसिक कन्वर्सेशन के लिए, कितनी वोकेबलरी चाहिए होगी एडवांस कन्वर्सेशन के लिए, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो है। इससे आपको बेसिक नॉलेज आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने इसको स्किप करके डायरेक्ट हमने नए अल्फाज सीखना शुरू कर दिए, डायरेक्ट हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट मतलब डायरेक्ट हम चले गए सीखने सिखाने के अमल के ऊपर तो आपको सही समझ नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन अल्फाज को प्रोनाउंस कैसे करना है, तो प्रॉब्लम होती रहेगी बार बार। तो आज की वीडियो प्योरली इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। फ्यूचर वीडियोस में हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि एवरी डे आप जो भी सीखेंगे उसके हम दो सेक्शंस कर लेंगे। एक में हम ग्रामर टाइप चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ग्रामर या प्रिंसिपल्स, और एक हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप उसी दिन सीखकर उसी दिन आप रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आप उससे आपकी उसमें आपकी वोकेबलरी भी शामिल है, शॉर्ट फ्रेजेस भी शामिल हैं, ये नहीं कि आप डे वन से ही कुछ ना कुछ चाइनीज़ बोलना शुरू कर देंगे। तो आप थोड़ा सा इसको पेशेंटली लेकर चलें। तो आज की वीडियो थोड़ा लेंथी भी है, लाइक 50 मिनट्स से ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा भी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा भी किया है ताकि तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज ख़त्म हो जाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो आपके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना। तो इसलिए आज की वीडियो को टॉलरेट करें, इट्स अबाउट 1 आवर लॉन्ग, लेकिन फ्यूचर में आई होप यू विल एंजॉय मोर। एंड नाउ लेट्स गो टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई होप यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू। वेलकम टू चाइनीज़ लैंग्वेज ऑनलाइन सीरीज़ वीडियो 2। आज की इस वीडियो में हम 7 टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिनमें आप देख सकते हैं टॉपिक्स में थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी वोकेबलरी चाहिए बेसिक कन्वर्सेशन के लिए और कितनी वोकेबलरी चाहिए हमें एडवांस लेवल कन्वर्सेशन के लिए या बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। और उसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में डिस्कस होगा और चाइनीज़ लैंग्वेज को लिखा किस तरह जाता है और चाइनीज़ लैंग्वेज की टोन्स हैं, प्रोनंसिएशन है वो किस तरह की जाती है और मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में हम चाइनीज़ लैंग्वेज को किस तरह लिख सकते हैं और अगर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज को हाथ से लिखना हो तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं और जो एंशियंट या पुराने ज़माने में चाइनीज़ लैंग्वेज होती थी उसमें और मौजूदा ज़माने की जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इनमें क्या फ़र्क है। टॉपिक 1, आज का जो टॉपिक 1 है उसमें यह है कि हमें कितने अल्फाज आने चाहिए जिसके बाद हम डेली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसका जवाब इस तरह से है कि मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ख़ुद से। उसको मैं एक हिस्से को कहता हूँ बेसिक लेवल, दूसरे को मैं कहता हूँ मिडल लेवल और तीसरे को मैं कहता हूँ एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में अगर आपको 600 वर्ड्स आते हैं और आप उनका मौसर इस्तेमाल या इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और ग्रामर के प्रिंसिपल्स के साथ, तो मेरा ख्याल है कि आप इतनी कन्वर्सेशन आपको आ जाएगी कि आप बाज़ार जाकर चीज़ ख़रीद सकते हैं, रास्ता पूछ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं और जो अल्फाज आपको नहीं आते होंगे वो आप प्लेको डिक्शनरी जो आपको मैंने पिछली वीडियो में रिकमेंड की थी आप वो इंस्टॉल कर लें, उससे आप देख सकते हैं और आप कन्वर्सेशन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी अगर आप चाइना में रहते हैं और अगर आपको 600 अल्फाज आते हैं।
मिडिल लेवल में अगर आप 1200 अल्फाज को मतलब की वोकेबलरी है और उनका आपको मौसर इस्तेमाल आता है, तो आपको डिक्शनरी देखने का भी डिक्शनरी देखने की भी ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप फ्री कन्वर्सेशन करने के काबिल हो जाएंगे और आपको गुफ्तगू करने का मज़ा आने लगेगा। ये हो गया मिडिल लेवल। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल बुक्स, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इन माय ओपिनियन आपकी वोकेबलरी 5000 वर्ड्स होनी चाहिए। उसके बाद आप टेक्निकल टर्म्स जो किसी भी फील्ड में इस्तेमाल होती हैं, उनको एटलीस्ट आप इजीली याद कर सकते हैं अगर आपको 5000 अल्फाज आते हैं। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि इससे आपको गोल सेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी हम लाइफ में गोल सेट करते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ जाती है। जैसे अगर आपको पता हो कि बेसिक लेवल में 600 अल्फाज होते हैं, तो आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे 600 अल्फाज सीखने हैं। लेट सपोज़ मुझे 2 माह में सीखने हैं या 1 माह में सीखने हैं, तो आपके पास एक किस्म की मोटिवेशन आ गई काम करने की, कि आपके पास एक टारगेट है कि 1 माह के अंदर अंदर मैंने 600 अल्फाज ख़त्म करने हैं, या 2 माह के अंदर मैंने 600 अल्फाज ख़त्म करने हैं, या 3 माह के अंदर, वट एवर। सिमिलरली आप अगली गोल सेट कर सकते हैं 1200 अल्फाज की। इस तरह ये चीज़, ये इंट्रोडक्शन आपको गोल सेटिंग में हेल्प करेगा। टॉपिक टू ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के एग्ज़ाम जो हैं वो क्या हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज का जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरह आइल्स है, टोफिल है, और इसी तरह जीआरई में भी इंग्लिश का सेक्शन होता है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम्स हैं, इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज का भी एक स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम है जिसको HSK एग्ज़ाम कहते हैं। HSK एग्ज़ाम की के लिए कितनी वोकेबलरी चाहिए, वो आपके सामने है। इसमें देख लें आपके, अगर आपको 600 अल्फाज आते हैं, मसलन अगर आपको 150 अल्फाज आते हैं और आप उनका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप HSK 1 के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको 300 अल्फाज का मौसर इस्तेमाल आता है, तो आप HSK 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको 600 अल्फाज का मौसर इस्तेमाल आता है, तो आप HSK 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप ये HSK 3 अगर आपने पास किया हुआ है, तो आपकी बेसिक लेवल की चाइनीज़, आप कह सकते हैं कि आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज का जो लेवल है वो बेसिक है। HSK 4 अगर आप 1200 अल्फाज का इफ़ेक्टिव यूज़ जानते हैं, तो आप HSK 4 दे सकते हैं। सिमिलरली HSK 5 2500 अल्फाज और HSK 6 5000 अल्फाज। मेरी ज़ाती राय में हम इनको यूँ भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि अगर आपने HSK 3 पास किया है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग आम जो रवायती तालीम है उसमें हम कह सकते हैं कि आपने चाइनीज़ ज़ुबान में इंटर इंटर की तालीम हासिल कर ली, या FA कर ली है। FA के इक्वलेंट, यानी कि जस्ट टू गिव यू एक एनालॉजी दे रहा हूँ, या एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक इंटर और समथिंग, बट जस्ट एग्जाम्पल, कि जैसे एक बंदा FA या FSC कर लेता है, तो यूँ समझ लें कि चाइनीज़ लैंग्वेज में HSK 3 पास करने के बाद आपका FA हो गया है, या FSC हो गई है, या उसके इक्वलेंट। और अगर आपने HSK 4 पास कर लिया, तो आप ये समझ लें कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में बैचलर की डिग्री हासिल कर ली है। और अगर आपका HSK 5 एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, तो आप यूँ समझ लें कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है। और अगर आप HSK 6 पास कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में PhD की डिग्री हासिल कर ली है। तो हर बंदे ने PhD की डिग्री नहीं लेनी होती, और हर बंदे के लिए ज़रूरी भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से अगर आप HSK 4 पास कर लेते हैं, एक एवरेज बंदा अगर HSK 4 पास कर लेता है, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। और मेरे ख्याल से उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, कन्वर्सेशन में, और डेली यूज़ में, और थोड़ा बहुत टेक्निकल स्टफ़ भी पढ़ने में, जितनी उसको ज़रूरत है उतना उसका काम चलता रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आम बंदे के लिए HSK 4, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ही डेप्थ में जाना चाहता है, तो HSK 5 भी कर ले और HSK 6 भी कर ले, वो उस बंदे की पर्सनल चॉइस है। लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक 3, चाइनीज़ लैंग्वेज को लिखा किस तरह जाता है। चाइनीज़ ज़ुबान जो है, ये एक पिक्टोरियल ज़ुबान है, यानी कि ये पिक्टोरियल पिक्चर से निकला है, यानी कि ये एक तस्वीरी ज़ुबान है। इसके अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं अलिफ बे पे, अरबिक के भी हैं अलिफ बा ता सा जिसे हम कहते हैं। तो लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज के इस तरह से अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। तो अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, तो फिर क्या होता है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को सीखें। तो वो ये होता है चाइनीज़ ज़ुबान में कि पुराने ज़माने में जब भी चाइनीज़ ज़ुबान का स्टार्ट हुआ होगा, मतलब 100 साल,
सैकड़ों साल पहले या हज़ारों साल पहले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी स्टार्ट हुआ होगा, हुआ इस तरह से कि लोगों ने ये किया कि उनको जो चीज़ जिस तरह से दिखती थी ना, उन्होंने उसकी तस्वीर बना लेते थे। मसलन दरख्त है, ये आपके सामने एक दरख्त की तस्वीर है, तो अब दरख्त को, अब किसी बंदे ने ख़त लिखना है और वो ख़त में लिखना चाहता है कि मेरे घर के बाहर एक दरख्त है और वो बड़ा ब्यूटीफुल है। अब वो दरख्त, जो लफ्ज़ दरख्त है, वो लिखना चाहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब दरख्त का, अब वो ख़त में दरख्त का जिक्र करना चाहता है, ठीक है। तो उस बंदे ने दरख्त की ये पिक्चर बना दी। अब दरख्त की पिक्चर किस तरह से है, ये देखें, ये दरमियान में सेंटर में एक तना है दरख्त का, और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये दरख्त की जो शाखें हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शुरू में लोगों ने लिख के तस्वीरें बना के एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया कि अगर किसी ने दरख्त के बारे में कोई बात करनी है, तो वो दरख्त की तस्वीर इस तरह से एक बना के अगले बंदे को दिखाता था, तो अगला बंदा समझ जाता था कि ये दरख्त की बात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने इन तस्वीरों को कोई ना कोई नाम भी देना शुरू कर दिया बोल के, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका नाम पढ़ना शुरू हो गया कि इस तस्वीर का ये नाम है। सिमिलरली जैसे ये एक दरख्त है, अब दरख्त पहले तो उन्होंने तस्वीर बनाई, यानी कि जब भी इस तरह की तस्वीर कोई बंदा बनाता था, उसका मतलब ये लिया जाता था कि अच्छा ये दरख्त की बात हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको एक नाम दिया, वो नाम उन्होंने उसको ये दिया मू। तो अब जब भी कोई बंदा मू का लफ्ज़ बोलता था, वो समझ जाते थे कि दरख्त की बात हो रही है, और जब भी कोई बंदा ये तस्वीर बनाता था, तो वो समझ जाते थे कि दरख्त की बात हो रही है। तो आजकल हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखें, बहुत सिमिलर हैं। तो ये तस्वीर का ओरिजिन यहीं से है। तो ये जो करेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है दरख्त को, या ट्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और चाइनीज़ में हमने उसको एक नाम दे दिया मू। सही है, तो आप समझ गए कि चाइनीज़ लैंग्वेज किस तरह से बनी है। अब होता यह है कि एक जंगल होता है, जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो अगर आप यही मू, ये तस्वीर एक दरख्त को रिप्रेजेंट करती है, आप कई सारी इस तरह की तस्वीरें इकट्ठी रख दें। मसलन इस करेक्टर में तीन तस्वीरें इस तरह की इकट्ठी रखी हुई हैं, जैसे ये एक है, और इस करेक्टर में ये तीन रखी हुई हैं, और दो ये रखी हुई हैं, पाँच। अगर आप पाँच तस्वीरों को इकट्ठा रख दें इस तरह जिस तरह ये पड़ी हुई हैं, तो उसको जंगल, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की तस्वीर को जब भी इस तरह की तस्वीर देखेंगे, तो इससे मुराद जंगल होगा। तो उन्होंने ये किया कि अगर एक तस्वीर होगी अकेली, तो उन्होंने कहा ये ट्री है, दरख्त है, और अगर पांच तस्वीरें इस सीक्वेंस में जिस तरह ये पड़ी हुई हैं इकट्ठी रख दी जाएँ, तो हम इस तस्वीर का मतलब ये लेंगे कि ये दरख्त की जंगल की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। और उन्होंने जंगल को या फॉरेस्ट को एक नाम भी दे दिया, उन्होंने कहा हम फॉरेस्ट को सन लिन कहेंगे, सन लिन, ठीक है। तो ये इस तरह से जंगल को रिप्रेजेंट, जब भी आप चाइनीज़ लैंग्वेज लिखेंगे, जंगल को जब रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप ये तस्वीरें बनाएंगे, ठीक है। और अब ये इस लैंग्वेज को लिखना कैसे है हाथ से और कंप्यूटर में, ये मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक चाइनीज़ लैंग्वेज को लिखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सुनते हैं। एट द एंड ऑफ द डे है क्या, तस्वीरें ही बनानी है। जिस बंदे को तस्वीरें बनानी अच्छी आती हैं, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत आसानी से सीख सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ये बातें हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ये एम यू मू और ये ऊपर ये करेक्टर जो लगा हुआ है, ये एक निशान लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और ये सन लिन, ये जो ऊपर सिंबल है या ये सिंबल है, इनके क्या मतलब है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह आग, ये आग है, आग आपको पता है इस तरह शोला निकलता है। उन्होंने शोले की तस्वीर बनाई, उन्होंने कहा ये एक तस्वीर बनाते हैं, जब भी कोई बंदा इस तरह की तस्वीर बनाएगा ना, तो हम उसका मतलब ये लेंगे कि ये आग की बात हो रही है, ठीक है। आप इस तस्वीर को देखें और इस तस्वीर को देखें, दोनों बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। और उन्होंने आग को एक नाम भी दे दिया हुआ, ठीक है, हुआ। उन्होंने कहा जब भी हम हुआ का लफ्ज़ बोलेंगे या ये तस्वीर बनाएंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि आग की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह चाइनीज़ लैंग्वेज का की इब्तदा हुई, इसका ओरिजिन इस तरह हुआ। उसके बाद इसी तरह आप देखें, पिंग पोंग एक कॉमन सी गेम है, आप सब जानते हैं। अब पिंग पोंग का टेबल देखें आप, उसकी इस तरह से टांगे होती हैं, और ये फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हम खेलते हैं। तो अब ये करेक्टर है पिंग पोंग का, पिंग पोंग की गेम का। अब इसमें आप देखें कि ये जो एक फ्लैट एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है पिंग पोंग के टेबल को। अगर आप इस पे गौर करें, तो ये इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो ये पिंग एक टेबल बन जाएगा।
और ये जो टांग है और ये जो टांग है ये टेबल की टांगों को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो ऊपर बनी हुई है ये शायद खेलने वालों को रिप्रेजेंट करती है जो खेल रहे हैं। इन एनी वे अगर आप इस पिक्चर को भी गौर से देखें, ऐसे लगता है कि जैसे ये पिंग पोंग का टेबल हो। तो इन्होंने पिंग पोंग की गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस गेम का जो टेबल होता है उसी की शक्ल के करेक्टर बना दिए। उन्होंने कहा जब भी हम ये तस्वीर बनाएंगे इससे मुराद लिया जाएगा पिंग पोंग की गेम, और उन्होंने उसको एक चाइनीज़ नाम भी दे दिया पिंग फांग। ठीक है, तो ये बन गया पिंग पोंग। इसको जब भी बुलाते हैं तो पिंग पोंग बुलाएंगे, और लिखेंगे तो हम इसको यूं लिखेंगे। नेक्स्ट, अब मुंह जो है, जब भी एक इंसान मुंह खोलता है तो इन्होंने कहा कि मुंह जब एक इंसान खोलता है तो उसमें एक स्क्वेयर शेप जो है ना वो बनती है, इन्होंने इमेजिन कर लिया। तो इन्होंने कहा कि जब भी हम ये देखें, अब ये पिक्चर जो है, जब भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह एक स्क्वेयर बनाएंगे जिस तरह ये मुंह खुलता है तो उसके ऊपर एक स्क्वेयर बनाया जा सकता है, उन्होंने कहा इसी तरह जब भी हम इस तरह से एक स्क्वेयर बनाया करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम मुंह की बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू माउथ इंग्लिश में हम इसको। और उन्होंने इसको एक नाम भी दे दिया कि हम इसको बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको खो कहेंगे। तो जब भी खो या इस तरह की कोई बंदा खो कहे या इस तरह की तस्वीर बनाए तो इसका मतलब है माउथ। अच्छा, माउंटेन, माउंटेन आपने देखा होगा कि पहाड़ सेंटर से बुलंद होता है, साइडों से छोटा होता है। तो उन्होंने इसी तरह पहाड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तस्वीर बनाई। उस तस्वीर के तीन जो हैं उन्होंने स्ट्रोक्स बनाए, दो छोटे छोटे साइडों वाले और एक सेंटर वाला लंबा सा, और यहाँ से उन्होंने उसकी बेस बना दी। और ये तस्वीर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा जब भी हम ये तस्वीर बनाएंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने इस तस्वीर को एक नाम दे दिया SHAN, शान। तो जब भी कोई बंदा शान ये लफ्ज़ बोले या ये तस्वीर लिखे तो इसका मतलब ये है पहाड़ की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद हुआ एक और बात इसमें नोट करने की है कि जैसे एंशंट ज़माने में जब चाइनीज़ लैंग्वेज की इब्तिदा हुई तो उन्होंने दरवाज़ा, ये दरवाज़े हैं, दो दरवाज़े हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर घरों के दरवाज़े ऐसे ही होते थे जैसे ये दो दरवाज़े हैं, अब भी अक्सर घरों में आपको मिल जाते हैं दो दरवाज़े। और उन्होंने दरवाज़े की शेप बनाई, ये आप देख सकते हैं, ये शेप को अगर आप गौर से देखें तो ये काफ़ी दरवाज़े से सिमिलर लगती है। और उन्होंने कहा कि जब भी ये शेप आएगी ना तो हम इसको दरवाज़ा कहा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इसको दरवाज़ा समझेंगे कि दरवाज़े की बात हो रही है। तो हिस्टोरिकली ऐसा था, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो डिवेलप हो गए। यानी कि शुरू में एंशंट लोग इस ये यूज़ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न दौर में आते आते लोगों ने ये सोचा कि कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी मुश्किल हैं, इनको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लिखने में आसानी हो। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक नया कैरेक्टर डिवेलप किया जो ये है। अब आजकल हम ज़्यादातर ये जो कैरेक्टर है दरवाजे को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल कम से कम करते हैं। तो इस तरह कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हिस्टोरिकली इम्प्रूव हुए। ठीक है, यानी कि वो लिखने में काफ़ी मुश्किल थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शक्ल है उसको आसान कर दिया गया। तो जो ये सिंपली जो आजकल की जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इसको कहा जाता है सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज, और जो पुराने दौर की लैंग्वेज थी जिस तरह ये है इसे कहता है, इसे कहा जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज। ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज के जो लिखने के करेक्टर्स हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जो सिंप्लीफाइड या मॉडर्न चाइनीज़ लैंग्वेज है उसके जो करेक्टर्स हैं वो इस तरह सिंप्लीफाइड हैं। ओके, इसमें एक और बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज के जो करेक्टर्स हैं इनका ओरिजिन होता था किसी भी चीज़ की शक्ल, जिस तरह की वो दिखती थी वैसी वो शक्ल बना देते थे। लेकिन अब कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद जैसे आप देख नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाहिश, या आप कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ। अब उम्मीद जो है या होप जो एक लफ्ज़ है, अब होप नज़र तो नहीं आती, होप इज़ नॉट समथिंग जिसे आप टच कर सकें, इस एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो अब इसकी तस्वीर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को वो इमेजिन कर लेते थे कि अच्छा हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, इस तरह की एक शेप बना देते हैं, इसका मतलब होगा होप या उम्मीद। तो आप जब चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे ये ना हो कि आप हर लफ्ज़ के पीछे एक तस्वीर ढूंढना शुरू कर दें। कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनके पीछे आपको उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या तस्वीरें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मिसाल देता हूँ, एक लफ्ज़ है जैसे मैनेजर। अब मैनेजर को चाइनीज़ ज़ुबान में चिंग ली कहते हैं, और इस तरह से उसको लिखते हैं जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना, ये करेक्टर बने हुए इस तरह से मैनेजर को लिख के लफ्ज़ को लिखते हैं। जब भी मैं ये तस्वीर बनाऊंगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि आई एम रेफरिंग टू मैनेजर।
तो अब मैंने अगर एक लफ्ज़ मैनेजर लिखना है, तो अगर आप ये सोचें कि आप मैनेजर जो है उसकी शुरू में शक्ल कैसी बनाई होगी एंशियंट लोगों ने, फिर कैसे चेंज हुई होगी, आपको इसका शायद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना मिले। तो जब भी आप नई वोकेबलरी सीख रहे हैं तो आप उसकी रिसर्च में 500 साल पीछे या 5000 साल पीछे ना जाएं। आपको आपके सामने एक तस्वीर आ गई, बस इस तस्वीर को आप एज इट इज़ प्रैक्टिस करें और अपने जहन में बिठा लें। आप इस तस्वीर को 4-5 मरतबा देखेंगे तो आपको भूलेगी नहीं, जब भी उसके बाद आपके सामने आएगी तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये वही तस्वीर है, इसका मतलब होता है मैनेजर। ठीक है, जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं, एक दिन मिलते हैं और उसके बाद आप 10 दिन बाद मिलें तो हो सकता है आपको इतना अच्छी तरह उसका चेहरा याद ना हो, लेकिन 2-4 दफ़ा आप उसको मिलें फ्रीक्वेंटली, उसके बाद आपको उसका चेहरा याद हो जाएगा। जब भी फिर आपको मिलेगा आप कहेंगे ओ यार आप वही हो। ठीक है, सिमिलरली चाइनीज़ लैंग्वेज के जो करेक्टर्स हैं इनको आप देख के कन्फ्यूज़ ना हो, बस इनको आपने आज देखा है 2-3 दिन बाद फिर देखें, 2-3 दिन बाद फिर देखें, फिर आप समझ जाएंगे यार इस तस्वीर का मतलब मैनेजर होता है। जिस तरह आप लोगों को पहचानते हैं इसी तरह आपने करेक्टर्स को पहचानना है, और आजकल के दौर में ये करेक्टर्स को हाथ से लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, कंप्यूटर से बड़ी आसानी से लिखे जाते हैं। तो इसलिए आप ये परेशान ना हो इस टाइम बैठ के कि यार मैं इनको लिखूंगा कैसे, क्योंकि इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये करेक्टर्स लिखने को शायद कोई ना कहे कि आप हाथ से इनको लिखें, आपको लिखने भी पड़े तो कंप्यूटर इस्तेमाल करके लिखने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी ईजी, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई है, अब आगे चलते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर टोन्स होती हैं, टोन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए। टोन्स जो हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जो चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन है उसके लिए टोन्स का हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में 4 टोन्स हैं, ये जो टोन है इसको हम कहते हैं फ्लैट, और ये जो टोन है इसको हम कहते हैं, या इसको फ्लैट भी कहते हैं, फर्स्ट टोन भी कहते हैं, ये जो टोन है इसको हम कहते हैं सेकंड टोन, या हम इसको कहते हैं राइजिंग टोन भी कहते हैं, गोइंग अप भी कहते हैं, और ये जो टोन है इसको हम थर्ड टोन कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाउन, यानी कि फॉलिंग एंड राइजिंग, या डाउन एंड अप भी कहते हैं, और फोर्थ टोन ये है इसको हम कहते हैं फॉलिंग टोन, या गोइंग डाउन, या फोर्थ टोन कुछ भी कह सकते हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जैसे ये एक लफ्ज़ है CHI। अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू में इस तरह लिखी जाती थी कैरेक्टर्स की शक्ल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जब मॉडर्न दौर आया तो उन्होंने क्या किया कि इसकी फिनियन भी बनाई। ठीक है, फिनियन से मुराद ये कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस्तेमाल करके चाइनीज़ लैंग्वेज को जब लिखा जाता है तो हम उसको फिनियन कहते हैं। अब फिनियन की ज़रूरत पेश आती है जब हम कंप्यूटर में चाइनीज़ लैंग्वेज को लिखते हैं, तो हमें फिनियन की ज़रूरत पेश आती है। तो इसी तरह जब हम प्रोनंसिएशन सीखते हैं तो हमें फिनियन की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि आप करेक्टर को देखकर, इस करेक्टर के अंदर इसकी प्रोनंसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये करेक्टर है, इसको अगर आप याद भी कर लेंगे इसका मतलब खाना होता है तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इसकी इसकी प्रोनंसिएशन कैसी होनी चाहिए इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिनियन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, इससे काफ़ी सारी यूज़फुल हेल्प मिलती है। मसलन इससे आपको इस एक लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन का पता चल जाता है, और एट द सेम टाइम ये लिखना आसान है कंप्यूटर में। जब भी आप कंप्यूटर में लिखते हैं, आप फिनियन लिखते हैं, तो फिनियन के साथ साथ चाइनीज़ भी लिखी जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, इन शॉर्ट चाइनीज़ ज़ुबान को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह लिखना फिनियन कहलाता है। ये एक करेक्टर है, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखें तो वो लिखा जाता है CHI, लेकिन इसके ऊपर फर्स्ट टोन है, ये देख सकते हैं आप, आई के ऊपर फर्स्ट टोन का सिंबल है और इसका मतलब होता है ईट। और ये जो सिंबल, ये जो करेक्टर है, इसको भी अगर आप चाइनीज़ में लिखें, इंग्लिश या फिनियन में लिखें, तो वो उसके स्पेलिंग बनते हैं CHI। लेकिन इस आई के ऊपर जो टोन है वो सेकेंड टोन है, और इसका मतलब है वो डिफरेंट है, इसका मतलब है होल्ड। अब आई के ऊपर अगर फर्स्ट टोन हो तो उसका मीनिंग बन जाता है ईट, आई के ऊपर अगर सेकेंड टोन हो तो उसका मतलब बन जाता है होल्ड। इसी तरह यहाँ पर आई के ऊपर थर्ड टोन है, और अगर थर्ड टोन हो तो इसका मतलब बन जाता है रूलर, और यहाँ पर आई के ऊपर फोर्थ टोन है, और अगर फोर्थ टोन हो तो आई तो इस पूरे करेक्टर का मतलब बन जाता है रेड। तो कहने का मकसद ये है कि देखें ये करेक्टर देखने में सारे डिफरेंट हैं लेकिन इनके स्पेलिंग सेम है, लेकिन आई के ऊपर जो इन यहाँ पे टोन्स हैं
वो डिफरेंट है। आई के ऊपर ये फर्स्ट टोन है, ये सेकंड टोन है, ये थर्ड टोन है, ये फोर्थ टोन है। अब इन टोन्स को पढ़ा कैसे जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टोन वन है ये सी एच आई, ये फ्लैट टोन कहलाती है, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फ्लैट टोन से मुराद ये है कि आपने जब भी इस लफ्ज़ को पढ़ना है, ना आपने इसके ऊपर एम्फेसिस करना है और ना ही इसको आपने स्लो करके पढ़ना है। आप इसको बस नॉर्मल आवाज़ में पढ़ लें, जैसे सी एच आई, तो इसको पढ़ लें आप छी, तो ये हो गया फ्लैट, ठीक है, ये होगी फर्स्ट टोन। अगर मैं बोलता हूँ छी, तो इसका मतलब होगा ईट, और मैं इस करेक्टर की तरफ रेफर कर रहा हूँ। और ये सी एच आई छी जो है, इसमें मैं लफ्ज़ को थोड़ा लंबा करूँगा और ऊपर की तरफ खींचूँगा, मसलन छी, इस तरह, यानी कि लफ्ज़ को थोड़ा लंबा करना और आवाज़ थोड़ी बुलंद करना, तो ये सेकेंड टोन बनती है। जब भी मैं कहूँगा छी, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, छी डिफरेंट मीनिंग है, उसका मतलब है ईट। और अगर मैं थोड़ा लंबा करूँगा छी, तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा होल्ड। और ये वाला जो लंबा करके मैंने पढ़ा है, ये छी रिप्रेजेंट करेगा इस करेक्टर को। थर्डली, ये जो है, जो सिंबल है टोन का, इसको पढ़ा जाता है छी, यानी कि थोड़ा नीचे आई और उसके बाद ऊपर, ठीक है, छी लाइक दिस। अगर मैं यूं करके पढ़ूंगा इसको, सी एच आई को, तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब होगा रूलर। रूलर, वो रूलर जिसको आप पेपर पे रख के लाइन लगाते हैं। और जब मैं इसको छी इस तरह करके पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रेफरिंग टू दिस करेक्टर। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड देर इज अ फोर्थ टोन। अब इस टोन के लिए जब मैंने छी को पढ़ना है, तो मैं यूं पढ़ूंगा छी, ये शॉर्ट टोन होती है, जस्ट लाइक फॉलिंग डाउन। जैसे कोई बंदा या कोई चीज़ आसमान से नीचे की तरफ जब गिरती है फ्री फॉल में, तो इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है, तो इसी तरह ये नीचे की तरफ है, तो इसको आप क्विकली पढ़ेंगे लाइक छी। अगर मैं यूं बोलूंगा छी को, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कलर, तो इसका मतलब होगा रेड। और आई एम रेफरिंग टू दिस चाइनीज करेक्टर। आई होप आपको समझ आ गई। अब मैं इसको अगर एक साथ बोलूँ, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ छी 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 छी, ठीक है, छी 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 छी। आई होप आपको समझ आ गई है। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं है, मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, आप उस वीडियो पे जाएं और उसके शुरू में एडवर्टाइजमेंट आती है लेट इट गो, उसके बाद आप उसको सुने, तो वो नेटिव स्पीकर्स की आवाज़ में है, तब आपको इन तमाम टोन्स का बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हो गई चार टोन्स, और उसके बाद आ जाती हैं अल्फ़ाबेट्स। अब जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखने का नाम फिनियन है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स की भी प्रोनंसिएशन होती है। एक तो हमने प्रोनंसिएशन पढ़ी है, जो कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ये हम सिंबल लगाते हैं, इनकी प्रोनंसिएशन। एक प्रोनंसिएशन अल्फ़ाबेट्स की देमसेल्स है, मसलन ये बी है। इंग्लिश के बी को जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, तो हम इस बी को बी नहीं पढ़ते, बल्कि पी पढ़ते हैं। मसलन जब मैं बी और ए इकट्ठा लिखता हूँ, तो मैं इसको पढ़ूंगा पा, ठीक है, मैं इसको बा नहीं पढ़ूंगा, पा पढ़ूंगा, पे पढ़ूंगा, पे, ठीक है, ये पे की आवाज़ देगी मुझे। पा, पा का मतलब होता है एट। और चाइनीज़ लैंग्वेज में जब भी पी लिखा जाता है, तो पी को पी नहीं पढ़ते, बल्कि फे पढ़ते हैं, पी एच ए की आवाज़ देता है ये। मसलन ये जो लफ्ज़ है, इसको मैं पढ़ूंगा फाए छू स्वा, यानी कि पी जो है उसको फी फे पढ़ते हैं, बी को पी पढ़ते हैं और पी को फे पढ़ते हैं। इसी तरह जे जो है, इसको ये जे नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये लफ्ज़ है चिंगली, इसको चे पढ़ेंगे, जे को यहाँ पे हम चे पढ़ेंगे, चिंगली, इसको मैं जिंगली नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब हम चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल करके लिखते हैं, तो उनकी प्रोनंसिएशन में थोड़ा फ़र्क आता है। जैसे क्यू है, जब आप क्यू आई इकट्ठा लिखते हैं, तो इसको अगर आप सिंपल इंग्लिश के हिसाब से पढ़ें, तो ये बन जाएगा की, क्यू आई की, लेकिन ये की नहीं है,
इसको चाइनीज़ में हम पढ़ते हैं छी, ये छे की अल्फाज की आवाज़ देता है। और एक्स जो है जब चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए लिखा जाता है तो ये शीन की आवाज़ देता है, शी शू, ठीक है। और ई जो है जब हम इसको चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए लिखते हैं तो ये ई की आवाज़ नहीं देता बल्कि आ की आवाज़ देता है। जैसे ये जो करेक्टर है इसको हम पढ़ सकते हैं आ अ आ अ लाइक दिस। अब ये मतलब मेरी परफेक्ट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें ये सब हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दो वीडियोस हैं, इनके लिंक्स भी वीडियो की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं शामिल कर दूंगा। आप ये जो फर्स्ट वाली वीडियो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेकंड वाली भी देखें, फर्स्ट वाली आप पहले देखें, इसमें आप जाएंगे और आप देखेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इससे टोन्स को सीखने में बहुत मदद मिलेगी। काफ़ी हद तक मैंने इंट्रोडक्शन टोन्स का करवा दिया है। अभी ये देखें, मैंने उस वीडियो को ओपन किया है ब्राउज़र में और ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद वो वीडियो स्टार्ट होगी और आप देखेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।正读音节，然后接着学अब ये习वीडियो韵母स्टार्ट的हो रही四है।声，请大家跟着我一起念。इसकी आवाज़ मैंने मिनिमम की हुई है तो आपको नहीं आवाज़ आएगी वीडियो में, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन देखें, ये बी पी एम और एफ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप बी पी एम एफ पढ़ेंगे लेकिन चाइनीज़ में इसको और तरह से पढ़ेंगे। तो वो ये साथ साथ ये यहाँ पे स्क्रीन पे अल्फाज अपीयर होते हैं और बैकग्राउंड में एक बच्चे की आवाज़ है और वो ट्रू प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये बहुत अच्छी एक वीडियो है, इसको आप सुने और इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें कि यार ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा, बस आप इसको सुने, दो चार दफ़ा इसको सुने वीडियो को, आपको आइडिया हो जाएगा विच इज़ इनाफ। उसके बाद फिर ऐसे जैसे जैसे आगे वीडियोस जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। बस आप इन वीडियोस को ज़रा, मेरा ख्याल है कि आप पाँच एक दफ़ा इस वीडियो को सुन लें और उसके बाद आप मूव ऑन करें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको इजीली इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप फॉलो करते रहें, इस टाइम आप देखते रहें, जितना आपको समझ आती है उतना फॉलो करते रहें। आई होप नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद समझ आएगी। ओके, नाउ वी आर बैक टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 5। टॉपिक 5 ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के जो करेक्टर्स हैं इनको कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन पे किस तरह लिखना है। जी ये काफ़ी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या करें कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है finian.sogu.com, इस पे जाएं और जाकर यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, आप उसको इंस्टॉल कर लें। अगर आप मोबाइल में लिखना चाह रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज तो आप बारकोड, ये बारकोड स्कैन करें और एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप इंस्टॉल कर लें, आप मोबाइल में भी लिखने के काबिल हो जाएंगे। और उसको लिखना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, मोबाइल के लिए एक और चीज़ भी है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ तो वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन सर्च कर लें, sogu.com.in, ये यहाँ पे लिखें सर्च में तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ऑलरेडी 76,991 लोगों ने इंस्टॉल की है, तो उसके बाद भी अपने मोबाइल में आप चाइनीज़ लैंग्वेज लिखने के काबिल हो जाएंगे। और इस एप्लीकेशन का भी लिंक और जो सोगू जो पीछे सॉफ्टवेयर है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब लिखना किस तरह है चाइनीज़ लैंग्वेज को वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। अब है होता ये कि जिस तरह मैंने बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज को अगर आप इंग्लिश के करेक्टर इस्तेमाल करके लिखें तो उसको हम कहते हैं फिनियन। तो आपने क्या करना है कि मसलन एक लफ्ज़ है नी हाओ, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश के करेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए नी हाओ, तो आपने लिखना इंग्लिश में ही है कीबोर्ड से NIHAO। साथ साथ आपको ये ऑप्शंस देगा कि ये करेक्टर्स जो हैं आप चूज़ कर लें। तो नी हाओ असल में जैसे चाइनीज़ ज़ुबान में बाज़ुकात इंग्लिश में सेम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हाओ HAO नी हाओ। अब नी हाओ इंग्लिश में नी हाओ है लेकिन चाइनीज़ ज़ुबान में इसको भी नी हाओ कहते हैं, इसको भी नी हाओ कहते हैं, सिर्फ टोन्स का डिफरेंस है, इसको भी नी हाओ कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं।
तो आपने इसमें से चूज़ करना है कि कौन से वाला नी हाओ आप चाह रहे हैं। आप नी हाओ लिखेंगे और वन का और वन प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा। किस तरह लिखना है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर की राइट साइड पे बॉटम पे आप देखेंगे यहाँ पे चाइनीज़ सिंप्लीफाइड PRC के नाम से एक बार अपीयर होगी। आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और इसके बाद अब आप चाइनीज़ लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में लिखने के काबिल हो जाएंगे। लेट्स डू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी गो टू ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट CN, यहाँ पे चलते हैं गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर। यहाँ जाके हम अपने कंप्यूटर से यहाँ से चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ चले जाते हैं। और अब देखिए मैंने NI नी लिखा है और मुझे कई सारी ऑप्शंस मिल गई हैं नीचे। एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई हैव लाइक नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो क्योंकि NI जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में NI कई करेक्टर को कई चाइनीज़ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जो लिखना है मैंने वो फर्स्ट वाला लिखना है, फर्स्ट वाला चूज़ करना है। तो मैं इसके लिए अगर वन प्रेस करूँगा तो ये लिखा जाएगा। अब मैंने हाओ लिखना है। अब फर्स्ट भी हाओ है, सेकंड भी, थर्ड भी, तमाम हाओ को हम हाओ पढ़ते हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट वाला हाओ लिखना है। तो मैं फर्स्ट प्रेस करूँगा तो ये बन जाएगा नी हाओ। अब यही सेम लफ्ज़ दोबारा लिखते हैं। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड वाला चूज़ करना है तो मैं सेकेंड प्रेस करूँगा तो अब सेकेंड आएगा हाओ। अब मैंने हाओ के लिए थर्ड वाला चाहिए मुझे तो मैं थ्री प्रेस करूँगा तो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाइनीज़ लैंग्वेज को लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको फिनियन आती है तो चाइनीज़ लैंग्वेज लिखना मुश्किल नहीं है। जैसे एक लफ्ज़ मैंने बोला था चिंगली, तो आपने चिंगली के स्पेलिंग लिखे, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपने पहचानना है कि चिंगली जो मैनेजर जिसका मीनिंग होता है उसके करेक्टर्स ये होते हैं या ये होते हैं या ये होते हैं। कौन से करेक्टर्स मैनेजर के लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे पता है कि जो ये फर्स्ट करेक्टर है ये मैनेजर के लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं फर्स्ट प्रेस करूँगा और ये चिंगली आ गया। तो इसका मतलब है, ये साथ साथ आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब है चिंगली यानी कि मैनेजर। अब एक लफ्ज़ है वाह, वाह का मतलब होता है आई। अब मैंने ये देखना है कि इसमें से आई के लिए कौन सा करेक्टर है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है तो मैं वन प्रेस करूँगा, ठीक है। वाह शी, SHI, शी जो है वो इज़ एम आर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं देखूँगा इज़ एम आर के लिए ये करेक्टर है तो मैं टू प्रेस करूँगा। इसका मतलब हो गया आई एम। अब श्वे शंग, श्वे शंग कहते हैं स्टूडेंट को। मैंने स्पेलिंग लिखे और अब मुझे पता चला कि श्वे शंग जो है वो ये दो कैरेक्टर्स श्वे शंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रेस करूँगा तो ये लिखा गया आई एम आ स्टूडेंट, वह शी श्वे शंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वह शी आई एम। अब शी, अब देखें मैंने जब शी लिखा था तो गलत कैरेक्टर आ गया था मसलन। अब ये लिखूँगा तो ये गलत हो जाएगा, तो मुझे ये फर्स्ट वाला चूज़ करना है, वह शी पाचीसीतान रैन। रैन का मतलब होता है आदमी, पाकिस्तान रैन पाकिस्तानी। और वा शी, वा मतलब आई, शी मतलब एम, आई एम पाकिस्तान रैन आ पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तानी। अब ये गूगल ट्रांसलेटर उसको आई वाज पाकिस्तानी लिख रहा है तो इट्स ट्रांसलेशन मिस्टेक है, लेकिन वा शी पाकिस्तान रैन, मैं पाकिस्तानी हूँ। इसी तरह आप लिख सकते हैं वा शी। अब वा, वा पहले लिख लें SHI शी। अब शी जो मुझे चाहिए वो ये थर्ड नंबर पे है, थ्री प्रेस करूँगा, वह शी गोंग छेंग, ठीक है। आई एम इंजीनियर, ठीक है। गोंग छेंग जो होता है मैंने उसके स्पेलिंग याद किए हुए थे, गोंग GONG, गोंग CHENG, गोंग छेंग। और मुझे ये पहला जो कैरेक्टर है फर्स्ट प्रेस करूँगा तो ये लिखा जाएगा वह शी गोंग छेंग, आई एम इंजीनियर। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मसलन वा लाइज, वा मतलब आई,
लाइज लाइज मीन्स आई लाइज मीन्स केम फ्रॉम, आई केम फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जिस तरीके से आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं राइट साइड पे। तो इस तरह आप जितनी मर्ज़ी चाइनीज़ लिखते रहें, तो आप देखें चाइनीज़ लैंग्वेज लिखना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको बस तस्वीर याद करनी होती है। जैसे वा, ये स्पेलिंग है आई के, और आप आई के लिए करेक्टर कौन सा इस्तेमाल करना है वो आप देख लें, वो आप याद कर लें कि आई का करेक्टर ये पहले वाला होता है, तो ये आपने दबा देना है फर्स्ट। तो ये वा लिखा गया, शी, शी इज एम आर के लिए जो शी इस्तेमाल होता है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला शी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, इज एम आर के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो बस आपने तस्वीर याद रखनी है, फिर आपने तीन प्रेस कर देना है, तो ये हो गया वा शी, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है शुए शंग, शुए शंग के लिए ये वाले करेक्टर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने एक माना और ये लिखा गया आई एम आ स्टूडेंट। तो इस तरह करके हम लिखते हैं, और मेरा ख्याल है ये काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, तस्वीरें याद करनी है बस आपने। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर पे लिखना चाहते हैं और मोबाइल पे लिखना चाहते हैं तो फिर तस्वीरें ही याद करनी है, विच इज़ वेरी ईजी। आप ये मोबाइल पे भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे आप यहाँ कंप्यूटर पे लिख रहे थे, वो सॉफ्टवेयर आप जब डाउनलोड करेंगे तो कीबोर्ड में चाइनीज़ लैंग्वेज की ऑप्शन आ जाएगी, और आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपने लिख के मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, तो वही चीज़ जो मैंने पहले की है वो स्लाइड्स में अब लेटर आ रही है। अच्छा, इस तरीके से आप टोन्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मसलन मैंने ये जितना लिखा है ना यहाँ पे, मसलन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैंने ये लिखा है वाशी शुएश, ठीक है, वा शी शुएशंग, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब मैं तो सादा बोल रहा हूँ वाशी शुएशंग बगैर किसी टोन के, जो कि गलत है। अब मैंने सीखना है टोन्स के साथ कैसे बोलना है, तो उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गूगल के पास ये फैसिलिटी है लिसन, ये एक स्पीकर बना होता है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक कर दें वाशीशंग, तो आपको एक मैडम की आवाज़ सुनाई देगी जो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज बोल के सुनाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छा ये है असल प्रोनंसिएशन, वा शी शुए शंग, इस तरह से है। अब ये देखें ये वो टोन है यहाँ पे वा के साथ जो कि नीचे है फिर ऊपर है, वा शी वाली टोन नीचे है सिर्फ, शी शुए ऊपर है, शुए शंग, शंग वाली नॉर्मल टोन है। तो आप टोन्स की प्रैक्टिस भी यहाँ गूगल से कर सकते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जस्ट प्रेस दिस बटन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है वा, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कई मरतबा वा लिख लें यहाँ पे, तीन चार मरतबा लिख लें, ठीक है, और उसके बाद आप ये बटन प्रेस कर दें, वो, वो, वो। तो ये मैडम बोल के बार बार आपको बताएंगी, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि चाइनीज़ लैंग्वेज को हाथ से कैसे लिखते हैं। अच्छा, कंप्यूटर से लिखना आपको समझ आ गया, मोबाइल से लिखना आपको समझ आ गया, अब हाथ से कैसे लिखते हैं ये भी बहुत आसान है, ठीक है। ये आज आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मुस्तकबिल की जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको हाथ से लिखना सिखाऊंगा। मैं वाइट बोर्ड मेरे पास है, मार्कर लेके मैं ख़ुद अपने हाथ से लिख के आपको दिखाऊँगा कि ये लिखना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो कोई फोर्स नहीं है, आप हाथ से ना लिखें, आप कंप्यूटर से लिखते रहें जिस तरह मैंने आपको लिख के दिखाया, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा देता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से लिखना चाहें या ना लिखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए दो रूल फॉलो करें, एक रूल है लेफ़्ट टू राइट, दूसरा रूल है टॉप टू बॉटम। इसके और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, ठीक है, वो मैं लिंक एक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से देख लीजिएगा, लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, उसके लिए वो आपने कोई पीएचडी तो नहीं करनी चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारे रूल्स को फॉलो करें, आपने बस ये एक ही रूल फॉलो, ये दो रूल्स ही फॉलो कर लें आप तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। एक रूल है कि जब आपने चाइनीज़ करेक्टर लिखना है या वो जो तस्वीर बनानी है जो चाइनीज़ करेक्टर्स की होती है, तो आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है, जैसे उर्दू हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, ये आपने लेफ़्ट टू राइट तस्वीर को बनाते हुए जाना है, और फिर टॉप से बॉटम की तरफ। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक लफ्ज़ है, इसको हम कहते हैं स, स का मतलब होता है फोर, ठीक है, और अब इस तस्वीर को, ये जो आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं, इस तस्वीर को हाथ से कैसे लिखना है उसकी ये एग्जांपल है। ये देखें लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये है कि आपने पहले लेफ़्ट से शुरू करना है,
ठीक है, लेफ्ट से देखें आपने शुरू किया ऊपर से नीचे आए, तो ये आपने पहला, ये स्ट्रोक्स यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज में स्ट्रोक्स होते हैं, उर्दू में तो हम मिला के लिखते रहते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में मिला के नहीं लिखा जाता, स्ट्रोक्स होते हैं। ये पहला स्ट्रोक ये हो गया, और सेकंड स्ट्रोक ये है लेफ्ट टू राइट, आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, अब आपने राइट की तरफ जाना है, तो सेकंड स्ट्रोक ये है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, ये सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है। और थर्ड स्ट्रोक जो है वो ये है। अब आप देखें लेफ्ट से दोबारा आपने लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी दी है, पहले आपने लेफ्ट वाला लिखा है ठीक है, और फिर आप लिखेंगे राइट वाला, ये देखें आप, और एट द एंड ऑफ द डे जो नीचे है वो आपने लिखना है, क्योंकि आप टॉप से बॉटम आ रहे हैं, पहले ऊपर वाले ख़त्म किए आपने, तो ये आपके पास पूरी पिक्चर बन गई ठीक है। दोबारा देखें, लेफ़्ट टू राइट का प्रिंसिपल है, पहले लेफ़्ट वाली लाइन लगाई ठीक है, उसके बाद हमने आगे चले अगली लाइन पकड़ी, अब ये लाइन लगाई ठीक है, अब इसके बाद जब ये ख़त्म हो गई तो हम इसके बाद नीचे वाली लाइन नहीं लगाएंगे, अब टॉप टू बॉटम का प्रिंसिपल भी है, तो हम ऊपर वाली पहले ख़त्म करेंगे, फिर ये लेफ़्ट वाली पहले लगाई तो ये लग गई, फिर राइट वाली लगाई लाइन, और उसके बाद एंड पे नीचे वाली हमने लाइन लगाई। तो ये जस्ट ये जो पीछे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, ये जो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये प्रिंसिपल जो है ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप बेहतर है इसको फॉलो करें, इट इज़ सजेस्टिव कि आप इसको फॉलो करें, ये बेहतर है, इस तरह आप एक फ्लो में लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आप यही जो तस्वीर है, इस तस्वीर को जो एंड पे बनी है, आप इसको पहले नीचे वाली लाइन लगाएं, फिर ऊपर वाली लाइन लगाएं, फिर बीच वाली लगाएं, जैसे मर्जी है, एंड पे अगर तस्वीर इस तरह की बन गई है ना, यानी कि इस तरह की नज़र आती है, तो बस ठीक है, तो ये इसका मतलब है स, यानी कि फोर, एंड में तस्वीर इस तरह की नज़र आनी चाहिए, आप चाहे नीचे वाले पहले लिखें, चाहे ऊपर वाले, चाहे लेफ्ट वाले, चाहे राइट वाले, ठीक है। ये जो पीछे प्रिंसिपल आपको बताया गया ये सजेस्टिव है, और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको यूज़ करना बेहतर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस प्रिंसिपल को, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, शुरू में आपको थोड़ा सा गो थ्रू होने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जब भी आप कोई प्रिंसिपल फॉलो करते हैं लिखने में, तो आपको समझने में आसानी होती है, आपको याद रखने में आसानी होती है, अगर आप प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो मुश्किल होती है। तो आई होप आपको समझ आ गई। इसी तरह ये एक लफ्ज़ है आए, इसका मतलब होता है लव या प्यार। अब इसमें भी देखें, लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम का प्रिंसिपल, पहले उन्होंने टॉप की चीज़ लिखी, फिर ये लिखा, अब देखें लेफ़्ट से चल रहा है, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर लेफ़्ट वाली चीज़ लिखी, लेफ़्ट टू राइट है, फिर ये चीज़ लिखी, फिर ये टॉप वाली चीज़ की लाइन लगाई, फिर लेफ़्ट वाली चीज़ पहले लिखी ठीक है, और उसके बाद आगे गए, और उसके बाद ये निशान लगाया, उसके बाद ये, तो आप देख सकते हैं कि जनरली लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ये देखें, ऊपर की चीज़ें यहाँ पहले लिखी गई हैं और नीचे की एंड पे लिखी गई हैं, लेफ़्ट वाली चीज़ें पहले लिखी गई हैं, ये देखें लेफ़्ट वाली पहले लिखी गई है, राइट वाली बाद में लिखी गई है। जनरली आप इसको फॉलो करें, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस तस्वीर आपने बनानी है, चाहे आपने लेफ़्ट से राइट फॉलो किया हो या राइट से लेफ़्ट फॉलो किया हो, एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर इस तरह की नज़र आनी चाहिए, दैट्स ऑल। खैर, इसकी मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिस अपने हाथ से लिख के करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और जस्ट आपकी अनदर एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं ये एक वर्ड है, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं योंग ठीक है जी, और इसको लिखा कैसे जाता है आप देख लें, टॉप टू बॉटम, पहले आपने ये लिखा, फिर दूसरा लेफ़्ट टू राइट का प्रिंसिपल, फिर तीसरा टॉप टू बॉटम, फिर लेफ़्ट वाला लिखा, फिर ये फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, यानी कि लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। खैर, इसको भी हम मज़ीद देखेंगे। और आखिरी टॉपिक जो है आज का, वो है ट्रेडिशनल चाइनीज़ करेक्टर वर्सेस सिंप्लीफाइड चाइनीज़ करेक्टर्स। मैंने आपको पहले बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज पुराने ज़माने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी जाती थी, यानी कि जो तस्वीरें उन्होंने पहले बनाई थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर उन्होंने क्या किया कि वक्त के साथ साथ चाइनीज़ जो लोग हैं उन्होंने इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कहा यार ये तस्वीरें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हमें खुद भी लिखने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इनको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो उन्होंने इन तस्वीरों को आसान बनाया ठीक है। तो उसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ में हॉर्स की ये तस्वीर होती थी, ये तस्वीर जब बनाई जाती थी तो इसका मतलब ये रहता था हॉर्स, तो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ में उन्होंने हॉर्स की तस्वीर इस तरह से बना दी।
अब देखें ट्रेडिशनल चाइनीज़ में कितने स्ट्रोक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्ट्रोक्स लगाने पड़ते थे फिर हॉर्स की पिक्चर बनती थी। नई चाइनीज़ में उन्होंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, यही काम 4 स्ट्रोक्स में हो जाता है, या 3 स्ट्रोक्स में भी कुछ लोग लिख देते हैं, 3 जो काम 3 या 4 स्ट्रोक्स में हो रहा है उसको 10 या 12 स्ट्रोक्स में करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आजकल जो हम चाइनीज़ लैंग्वेज लिखते हैं वो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज लिखते हैं, ट्रेडिशनल नहीं लिखते। तो अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज आपने सिंप्लीफाइड सीख ली और कल को आपके सामने एक बुक आती है जिसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ लिखी हुई है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो पुराने ज़माने की चाइनीज़ है, उसको आजकल नहीं यूज़ किया जाता। और अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई अगेन वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से, आज की वीडियो में काफ़ी ग्रामेटिकल टाइप या कंसेप्चुअल टाइप चीज़ें थी, नेक्स्ट वीडियो से हम नए अल्फाज सीखेंगे कन्वर्सेशन करने के लिए, ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आप अपनी लाइफ में पहले दिन से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई चाइनीज़ दोस्त है पहले दिन से ही उसे वो अल्फाज कह सकेंगे, हर वीडियो में आप इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। और उसी में हम ग्रामर और राइटिंग और टोन्स वगैरह भी डिस्कस किया करेंगे, यानी कि दो सेक्शन कर लेंगे हम। आज की वीडियो काफ़ी लंबी है, ठीक है, और इसका ये आज लंबा मैंने इसलिए इसको किया है क्योंकि मैं चाहता था कि तमाम ग्रामेटिकल टाइप ऑफ चीज़ें जो हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आज ही ख़त्म हो जाएं, ताकि फ्यूचर वीडियोस आपके लिए बोरिंग ना हो। तो आज की वीडियो को भी अगर आप बोरिंग तो ना लें, इसको आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज वाकई सीखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो मेरा ख्याल है आप इंजॉय करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट करते रहें। और आई विल ट्राई कि मैं हर वीक एक वीडियो पोस्ट करूँ, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, जब भी मुझे टाइम मिला आई विल पोस्ट अ वीडियो। और मुस्तकबिल में मैं चाइनीज़ दोस्तों को भी वीडियो में शामिल करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनके साथ कन्वर्सेशन करूँ और उनसे जो टोन्स हैं वो बोलें वीडियोज़ के अंदर, ताकि उससे पता चले कि नेटिव लोग किस तरह बोलते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।